क्या आपको पता है, एक आर्मी का कैप्टन अपनी जॉब छोड़ के सबसे इंडिया की सबसे सस्ती एयरलाइन शुरू की? नहीं पता है। मैं आपको बताने जा रहा हूँ ऐसे कैप्टन के जिन्होंने अपनी जॉब, नौकरी, आर्मी की प्रतिष्ठित नौकरी छोड़ के एक सबसे सस्ती एयरलाइंस खड़ी करी। जब वो ड्यूटी पे थे, उनके पिताजी की तबीयत ठीक नहीं थी, वो छुट्टी पे घर जा रहे थे। इसके लिए उन्होंने ट्रेन की टिकट बुक की, ट्रेन 3 दिन में पहुंचा रही थी। फिर उन्होंने एयरपोर्ट पे टिकट खरीदनी चाहिए। आप लोग को पता है कि एयरपोर्ट पे 3 तरह की टिकट होती है, फर्स्ट क्लास, बिजनेस क्लास और इकोनॉमिक क्लास। उसके पास पैसा था इकोनॉमिक क्लास का, काउंटर पे पैसा दिया कि मुझे इकोनॉमिक क्लास की टिकट दे दो, मुझे घर जाना है। तो वहाँ पे जो काउंटर पर रिसेप्शनिस्ट थी, उसने बोली कि सर, हमारे पास इकोनॉमिक क्लास के सारे टिकट बुक हो गए हैं, अब या तो फर्स्ट क्लास है या बिजनेस क्लास है, आप इन दोनों के ले सकते हो। लेकिन उनके पास उसके लिए पैसे थे नहीं। उन्होंने वहाँ पे एयरपोर्ट बैठे लोगों के से रिक्वेस्ट की कि प्लीज़ हेल्प कर दीजिए, मुझे घर जाना है, मेरे पापा पिता है वो, उनकी तबीयत खराब है, मुझे उनसे मिलने जाना है प्लीज़। लेकिन मना करना कोई चीज़ कोई नहीं थी, वहाँ एयरपोर्ट किसी ने उनकी हेल्प नहीं की। तो उन्होंने अपना आईडी कार्ड दिखाया कि मैं आर्मी में हूँ, प्लीज़ कोई हेल्प कर दो, तब भी कोई हेल्प नहीं किया। फिर वो बस से गए और जब तक गए घर, तब तक उनके पापा एक्सपायर हो चुके थे, पास हो गए। और वो बहुत रोए, उनके मम्मी उन्हें बहुत बोली कि हमारे पापा चले गए आपका। तो उन्होंने तभी डिसाइड किया कि अब नहीं, अपनी आर्मी की जॉब छोड़ी। उन्होंने सोचा कि मैं सबसे सस्ता एयरवेज शुरू करूँगा, जिससे कि सब गरीब से गरीब लोग जो बस में जाते हैं, उनकी बस की टिकट, बस की किराए पे ही वो प्लेन से जा सके। और उसके लिए उन्होंने काम शुरू किया। लेकिन आप जानते ही हैं कि पॉलिटिकल और जो पहले से बिजनेसमैन है, वो ये नहीं चाहते कि इतनी सस्ती एयरलाइंस आ जाए जिससे कि हमारे एयरलाइंस का टिकट बिकना कम हो जाए। और उन्हें बहुत सारी प्रॉब्लम हुई। उन्होंने अपना किराए पे प्लेन लिया, लेकिन बड़ी कंपनी जो थी वो उन्होंने उनसे ज़्यादा पैसा देकर उसको ऊपर रख लिया। फिर भी उन्होंने हार नहीं माना। उन्होंने सामान ढोने वाली जो प्लेन होती है उसको ही मॉडिफाइड करके विमान बनाया, कि मॉडिफाइड करके और यात्री विमान बनाया। ऑफिस में जाके लाइसेंस लेना पड़ता है, लाइसेंस के लिए ही उन्हें घुमाते रहे घुमाते रहे। फिर जाके लाइसेंस उन्होंने वो राष्ट्रपति के पास चुपके से पहुंच गए, और राष्ट्रपति जी ने एक लेटर लिखा जिससे उन्हें लाइसेंस मिला। फिर वो उस लाइसेंस से एक दिन, पहले दिन जब वो प्लेन उड़ा और जहाँ पे उन्हें लैंड होना था वहाँ पे वो बिजनेसमैन ने क्या किया कि उन्हें लैंड होने नहीं दिया। वो प्लेन का फ्यूल सारा खत्म हो गया, तो उन्होंने क्या कहा अपने पायलट को कि तुम उस रनवे पे ना लैंड करके, उसके बगल में एक एयरपोर्ट का रनवे था, कहा कि तुम वहाँ पे लैंड कर जाओ, कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि वो उसी आर्मी में ही थे, एयरपोर्ट में थे। कहा कि कोई दिक्कत नहीं, यहाँ पे हम लोग पब्लिक एयर पब्लिक हवाई जहाज है, इसमें कोई दिक्कत नहीं होगी, और जो होगा हम सजा कट लेंगे। फिर वो उन्होंने वहीं पे लैंड कर दिया। तब उन्हें बुलाया गया अंदर कि भाई तुमने ऐसा क्यों किया। उन्होंने कहा कि ऐसी बात है। तो जो उनका मेजर था वो जानने वाला था, और उन्होंने कहा ठीक है, जुर्माना करूंगा और कुछ नहीं होगा, क्या होता, और तुम अपना फ्यूचर देखो। फिर वो चले आए। फिर उन्होंने लड़े, लड़के लड़के मीडिया वालों ने और सब जो उनके कंपटीटर थे वो लोग करते थे कि इनका ब्रेन सुरक्षित नहीं है, प्लीज उसमें कोई न जाए, ऐसे वैसे बहुत सारी अफवाह फैला दी। फिर उनके गांव के लोग ही उस प्लेन में बैठ के कहा कि ये प्लेन सुरक्षित है और मैं जाऊंगा। बहुत सारे लोग उनके गांव से उस प्लेन में बैठ के और एक जगह से दूसरी जगह गए, और लोगों का भरोसा बना कि अच्छा ये प्लेन सही है। और उस दिन से उनका प्लेन का सबसे सस्ती एयरलाइंस चलनी शुरू हो गई। और क्या आप जानते हैं उसका नाम क्या था? उसका नाम डेक्कन एयरवेज था। और उसके मालिक कौन थे? जो कैप्टन वो थे कैप्टन गोपी चंद। ये कैप्टन गोपी चंद की असली कहानी है। इस कहानी से आपको यही सीख मिलती है कि आप मेहनत करोगे तो आप कुछ भी कर सकते हो, चाहे दुनिया आपके खिलाफ क्यों ना हो। इसलिए आपको मेहनत करना पड़ेगा। अगर जीवन में सफलता प्राप्त करनी है तो मेहनत पर विश्वास करें। किस्मत की आजमाइश तो जुए में होती है।